सबको खोल के ऐसे क्लीन करके फिर लगा दो, इसको अंदर डालो, डालने के फिर देखिए एक साउंड होगा, वो साउंड लॉक हो गया। फिर इसको लगाइए, ये भी लॉक हो गया, देखिए यहाँ पे लॉक। इसको ऐसे खोल के इसको क्लीन करके लगा दो। फिर दूसरा स्टेप आपको दिखाते हैं, यहाँ से अगर ऐसे निकलता है पेपर, निकलने बाद कुछ सेंसर रहता है, उस सेंसर के ऊपर से जाता है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ व्हील रहता है जो पेपर के ऊपर और खींचता है, तो ये अगर जैम रहता है, ये व्हील अगर जैम रहता है, बहुत स्मूथ रहता है, अगर व्हील सब कुछ भी चीज़ अगर जैम हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होगा पेपर जैम का। तो स्मूथली अगर है कि नहीं, जैसे नए में था उसी हिसाब से आपको देख लेना होगा जी स्मूथली है कि नहीं, ये वाला स्मूथ है कि नहीं, इसको देखना होगा, क्योंकि ये कागज़ का पकड़ के कागज़ के स्मूथली कागज़ को ऊपर ठेलता है, तो इसीलिए सब व्हील को देख लेना होगा। और देख लेना है कुछ चीज़ जो गियर जो है, यहाँ पे बहुत सा गियर रहता है, वो गियर सारे गियर को देख लेना होगा कहीं टूटा है कि नहीं। तो गियर अगर सही तरीके से आप देख लेते हैं, गियर सब कहीं टूट गया है या फीता कहीं टूट गया है, सारे कुछ आपको देख लेना होगा सही सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो आपको पेपर जैम नहीं होगा। और एक तो फिक्सिंग यूनिट, आपका जो फिक्सिंग यूनिट है वो है फाइनल पोजीशन। तो फिक्सिंग यूनिट के अगर अंदर अगर फिक्सिंग यूनिट अगर सही तरीके से मेंटेनेंस किया ही है, मतलब उस फिक्सिंग यूनिट सर्विसिंग किया हुआ है, उसका अंदर जो सिस्टम है, जो व्हीलिंग सिस्टम है, वो अगर स्मूथली घूमता है तो आपका पेपर जैम नहीं होगा। तो ये तीन चार चीज़ आपको सही तरीके से देखना होगा। तीन चार चीज़ अगर सही तरीके से देख लेते हैं तो आपका पेपर जैम होने का कोई चांसेस नहीं है। एक कुछ व्हील को देखना होगा, व्हील सही तरीके से लेता है कि नहीं, ये देख लेना होगा। तो और एक चीज़ आपको हम दिखा देते हैं। तो और एक चीज़ जो है, यहाँ पे आपको पेपर डालने का जो सिस्टम है, पेपर डालने का सिस्टम आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर पेपर डालने वक्त अगर पेपर को जिस पोजिशन में रखना है, अगर उस पोजिशन में नहीं रहता तो पेपर जैम होगा। इसको लाइट ना देके दिखाते हैं, क्योंकि लाइट ज़्यादा हो जाने से पेपर को आप समझ नहीं पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा पेपर अगर सही तरीके से नहीं रखते, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कम ज़्यादा करके पेपर को ट्रे में रखे हैं, टेढ़ा करके, कोई एक साइड बेका हो, टेढ़ा हो गया है, कोई ठीक से पेपर है, कोई नहीं है, तो इसे टेढ़ा वेढ़ा अगर रखते हो, पेपर दुमरा मुचरा है, कोई फोल्ड है, बहुत सा फोल्ड है, ऐसे अगर रखते हैं पेपर को, तो पेपर को खींच नहीं पाएगा सही ढंग से। तो जब सही ढंग से नहीं खींच पाएगा तब भी पेपर जैम होगा, क्योंकि पेपर के लेने वक्त ले जाएगा अंदर, कुछ दूर तक जाएगा, जाने के बाद रुक जाएगा, क्योंकि टेढ़ा वेढ़ा होकर, अगर टेढ़ा वेढ़ा होकर रहता है तो उसका काम नहीं करेगा। तो ये भी एक कारण है, पेपर को रखने का तरीका सही रखना चाहिए। अगर पेपर सही तरीके से अगर रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं, मशीन का सिस्टम से, जिस सिस्टम से मशीन को, ड्रायर सिस्टम जैसे बनाया गया है, उसी हिसाब से अगर गैपिंग को सही तरीके से मेंटेनेंस भी करते हैं आप, ये जो गैपिंग है यहाँ पे, जो सिस्टम है पूरा एकदम लगा हुआ चाहिए, और जैसे सिस्टम से सीधा रहना चाहिए पेपर को, और कोई भी डैमेज पेपर देना नहीं चाहिए। अच्छा पेपर दीजिए, अच्छे सिस्टम से रखिए, स्मूथली रखिए, ताकि पेपर को आराम से खींच पाए। और एक चीज़, पेपर को जब खींचते वक्त इजी होकर जाए, मतलब इजी जा पाए, साइड में अगर यहाँ पे डब जाता है, यहाँ पे पेपर खींच नहीं पाता, तो अभी पेपर अंदर जाके हो जाता है। तो ड्रायर में पेपर को रखने का जो सिस्टम हो, सिस्टम सही अगर होता है तो आपका पेपर जैम कभी नहीं होगा। तो चलिए और कुछ जानकारी आपको दे देते हैं इस मशीन के बारे में, उस जानकारी से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी चलते हैं, चलिए आपको सॉल्यूशन के जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को जो चार पांच चीज़ें दिखा दिया गया है, यही है पेपर जैम का हिस्सा। अगर ये चार पांच चीज़ अगर आप सही तरीके से देखते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से संभालते हैं, तो आपका पेपर जैम नहीं होगा। तो हम आपको एक बात बोले,
बहुत जरूरी है ये बात बोलना, वो है कि मशीन है क्या? अरे यारो मशीन है क्या? और मशीन चीज होता है क्या? मतलब डेफिनेशन, डेफिनेशन वो डेफिनेशन नहीं जो किताबों में लिखा गया, डेफिनेशन वो जो मैं बोलने वाला हूँ जो एक फोटोकॉपियर मशीन का है, वो डेफिनेशन मैं देने वाला हूँ, वो मेरे लैंग्वेज में, वो मेरे भाषा में जो मैं समझता हूँ उस हिसाब से। तो देखिए डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, मशीन वो है जो अपने मर्जी से अपना सिस्टम से अपने सिस्टम से चलते हैं, वो है मशीन। जो आप लोग जो आप कमेंट करते हैं, आप लोग जो कमेंट देते हैं उस मशीन को, जो करने के बोलते हैं, वो मशीन नहीं होता। जो मशीन में सिस्टम है वो सिस्टम से चलने वाला अगर कमेंट करते हैं, अगर वो उसका मर्जी से अगर चलने का कोई सिस्टम है, उस मशीन का सिस्टम से अगर आप काम करते हैं, तो वो है मशीन, वो काम करेगा आपका हिसाब से नहीं करेगा। आप बोल दिए 5000 कॉपी दो, मशीन बोले काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मशीन नहीं है। मशीन वो है जो मशीन अपने सिस्टम से चलता है, वो होता है मशीन। आप अगर बोल दोगे मशीन में जो प्रोग्रामिंग डाला गया है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, आप 5000 कॉपी तो ऐसे ही एट ए टाइम नहीं लेगा। तो देखिए हम आपको और एक बात बोल देते हैं, मशीन का सिस्टम को आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे कि मशीन के बारे में आपको 100% सिक्योर हो जाएंगे। मशीन होता क्या है, फोटोकॉपियर मशीन के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी मशीन में एक ही सिस्टम होता है, लेकिन फोटोकॉपियर मशीन में ऐसे बहुत से सिस्टम है, सिस्टम क्या है वो आपको बोल रहे हैं। तो देखिए मशीन में जो सिस्टम रहता है, बहुत से सिस्टम है, बहुत सा प्रोग्रामिंग डाला गया है मशीन में, बहुत सा व्हील है, बहुत सा गियर है, बहुत सा फंक्शन है, जगह जगह में बहुत सा रोलर है, ऐसा बहुत कुछ। तो इसके लिए मशीन में, इस मशीन में जो सिस्टम बैठा गया है, मदर बोर्ड है, उस आईसी बोर्ड है, उस बहुत सा बोर्ड है जो उसमें आईसी भी है, जिस आईसी में प्रोग्रामिंग डाला गया है। आईसी मतलब क्या, हम लोग का जैसा मेमोरी होता है, हम लोग जैसे सोचते हैं, हम लोग में कुछ मेमोरी कुछ डाला गया है, हम किस तरीके से है, हम क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाएंगे, ये जो मेमोरी होता है ये आईसी होता है। ये आईसी में कुछ प्रोग्रामिंग डाला गया है, इसमें उतना प्रोग्रामिंग डाला गया है जितना प्रोग्रामिंग मशीन में डालना चाहिए जो मशीन आप खरीदते हैं। मतलब इस मशीन में आईसी में जो प्रोग्रामिंग किया गया है, बहुत जगह में सेंसर है, हर जगह में बहुत सा गियर है, हर गियर का हर हर अलग 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 कुछ प्रोग्रामिंग डाला गया है उस आईसी के अंदर। मतलब उस आईसी से अगर कोई कुछ बोलते हैं, कोई आप अगर चाह टाइप करते कुछ लिखते हैं जो 5 कॉपी मारो, तो आईसी को पता चला जो हमको बोला है जो 5 कॉपी प्रिंट करने के लिए, तब आईसी बोलेगा वो जगह जगह पर जिसको बैठाया गया है, रोलर है, व्हील है, कुछ गियर है, कुछ रबड़ है जो पेपर खींचता है, कुछ जगह सेंसर है, वो सब कुछ अलर्ट हो गया, सब रेडी पोजिशन में बैठ गया। तो देखिए आप कमेंट किए हैं 5 कॉपी पेपर निकालो, तो आईसी सारे को बोल दिया जहाँ से पेपर को खींचता है, जो रोलर है, जो रबर का रोलर है, जो रबर से खींचता है पेपर को, उसमें चला गया जब 5 कॉपी तुम खींचो, वहाँ पे मोटर है, 5 कॉपी खींचो, उसको बोला गया आईसी में वैसे प्रोग्रामिंग डाला गया है, साथ सेंसर को भी बोला गया है 5 कॉपी पासिंग करो, मतलब 5 कॉपी हो जाने के बाद आपको काम नहीं है। इसी तरह जगह जगह पर व्हील है, जो रोलर जैसा व्हील है, व्हील को बोला गया तुम इतना राउंड खाने के बाद तुम्हारा कॉपी ख़त्म हो जाएगा, तुम रुक जाना। इसी तरह हर किसी को प्रोग्रामिंग में डाला गया है, हर किसी का काम होता है। तो जब 5 कॉपी आप मार दिए हो, तो 5 कॉपी जब प्रिंट निकलता है, 4 कॉपी होने के बाद जब रोलर नीचे से रबर का जो रोलर है जो पेपर को खींचता है, ऊपर उठाता है, वो जब खींचते वक्त नहीं मिलता, जस्ट सेकेंड में वो डिसीजन लेता है और बोलता है बॉस यहाँ पेपर नहीं है। जब आईसी को वो कमेंट मिल जाता है पेपर और नहीं है, तो इंस्टेंटली आईसी बोलता है ठीक है, साथ ही साथ पेपर में दिखाता पेपर लोड करने के बोल रहा है, तब आप लोग पेपर लोड करते हैं। तो वहाँ से कमेंट आईसी में जाता है, आईसी बोलते हैं ठीक है पेपर नहीं है, तो वो पेपर दिखा देता है स्क्रीन में, पेपर लोड करो, या जैसा मशीन आपका है उसी हिसाब से सिस्टम दिखा देता है, रेड कलर का बटन जल हो गया, जल उठा, पेपर नहीं है। तो
टूटा पेपर हम लोग डालते हैं, मतलब पेपर नहीं है और जहाँ पे वो सेंसर बैठा जाता है वो 1, 2, 3, 4 करके काउंट किया, करने के बाद बोल रहा और पेपर नहीं है, जब नीचे से सिग्नल मिल गया ये बोल दिया बॉस पेपर और नहीं आ रहा, मतलब सारे काम स्टॉप हो गया। अब पेपर डालो तो मैं फिर 4 काउंट किए थे, मैं 5 नंबर को भी पास कर दूंगा। जब आप पेपर डाल देते हो तब वहाँ से रबर फिर खींच के ऊपर उठाता है, तब जहाँ से पास होता है जो सेंसर है वो बोलता है 5, काउंटिंग में 5 उसका हो गया। रोलर को भी हर किसी को काम है, हर किसी ने बोल दिया मेरा 5 हो गया, ये भी बोला हाँ मैंने पास कर दिया। जब 5 नंबर पासिंग कर दिया, 5 रोलर खींचा है, बोला मैंने 5 खींचा है। जब मैंने सेंसर को, जब सेंसर का टाइम जब आया, सेंसर बोला मैं मेरा पास पासिंग नहीं हुआ, तब आईसी पर खबर जाता है, रोलर बोला है आया मैंने भेजा लेकिन आईसी बोला नहीं आया, तब वो आईसी बोल रहा है जो जिस पे प्रोग्रामिंग डाला गया है वो बोल रहा है पेपर चेक, तब आप उसको पेपर निकालते हैं। अब फिर अगर पेपर डाल देते हैं तो फिर चलने लगता है, फिर उस काउंट को पूरा किया जाता है, तो फिर पूरा हो जाता है, तब 5 कॉपी कंप्लीट हो जाता है, तो मशीन कंप्लीट हो जाता है उसका काम। ये जो कमेंट है, ये जो आप लोग कमेंट करते हैं जो मशीन में प्रोग्रामिंग डाला गया है, अगर उसी का हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो मशीन काम करेगा, अगर मशीन का हिसाब का बाहर अगर आप कुछ बोलते हैं मशीन नहीं करेगा। अगर मशीन को आप बोलेंगे जो डैमेज पेपर लेके प्रिंट निकालो या थिन पेपर से प्रिंट निकालो, मशीन बोलेगा हम नहीं करेंगे, ये आपका काम आप कीजिए, मैं वैसा काम करने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा जो सिस्टम है जैसे मैं पैदा हुआ हूँ उसी हिसाब से काम करूँगा, मैं मेरा काम करना नहीं है, आपका काम आप खुद कीजिए, मैं नहीं करने वाला, मशीन रुक जाएगा तो मर जाएगा। तो मतलब आपको मशीन के हिसाब से ही चलना है, मशीन में जो प्रोग्रामिंग दिया गया है उसका जैसे तैयार किया गया है उसी का हिसाब से आपको चलना है, मशीन के हिसाब से आपको चलना है, आपका हिसाब से मशीन नहीं चलेगा। आप बोल दिए 5,000 कॉपी मारो, बोलते हमको नहीं करना, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, 5,000 बटन लेगा ही नहीं, 10,000 बटन लेगा ही नहीं, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग उतना डाला नहीं गया, इसीलिए वो काम भी नहीं गया। तो आप जैसा दाम का मशीन खरीदते हैं उसमें उतना ही सेंसर बैठाया गया होता है, जिसके लिए वो उतना ही सेंसिटिव होता है। अगर कार के बारे में बोलो, कम दम का कार वो मैनुअली काम करता है, जगह जगह पर व्हीलिंग है, कैसे 1 गियर 2 गियर 5 नंबर गियर ऐसे गियर को जैसे चेंज किया जाता है। अगर कार को बोलोगे स्टार्ट करके ही 5 गियर में चलो, कार थोड़ी बोलेगा हमको नहीं करना हम नहीं चलेंगे, बोल देगा कार। उसी तरह सिस्टम से चलना होगा, आपका जो सिस्टम है कार का जो सिस्टम है 1, 2 जैसे स्टेप बाई स्टेप चलना है उसी हिसाब से मशीन को भी चलाना है। मशीन बोल रहा है मेरा ये जो सिस्टम है आपको सिस्टम से चलना होगा, जो सेंसर है सेंसर को फॉलो करो, जितना व्हील है सारे व्हील को क्लियर करो, तो देखिए आपका मशीन काम करेगा सही तरीके से करेगा, पेपर जैम कभी नहीं होगा। अगर आप मशीन को सही तरीके से मेंटेनेंस करते हो, मशीन को सही तरीके से ख्याल रखते हो, कभी नहीं होगा। पेपर जैम बोल के कुछ वर्ड है, ये आप ही बोलोगे, पेपर जैम का कोई चीज़ होता ही नहीं, आप खुद गलती कर रहे हो, आप मशीन को दोष दे रहे हो, मशीन कभी दोष नहीं करता। मशीन में आप थिन पेपर डाल दे रहे हो, मशीन में आप दुमरा मुचरा जो भाज होके है वो पेपर डाल दे रहे हो, मशीन बोलो हम नहीं लेंगे, पेपर जैम। डैमेज पेपर डाल दे रहे हो, पेपर जैम। कम दम वाला पेपर डाल दे रहे हो, मतलब कम दम वाला पैसा, कम दम वाला पेपर मतलब तो क्वालिटी वैसे ही होगा, मशीन बोलेगा हम नहीं करेंगे, ये आपका काम है आप करिए हमें नहीं करना। मशीन एक चीज़ है, तो मशीन के सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए, तो मशीन के क्या सिस्टम है आपको दिखा दिया, तो उसी सिस्टम से अगर आप करते हैं तो आपका मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से अगर और कुछ आपको जानना जानकारी चाहिए तो हम वो भी देंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए आज इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।